मॉर्निंग, सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमने जाना है एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जाना है, तो उससे पहले हम करते हैं नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास रात वाली रोटी, आलू अंडे, चाय। तो हमारे घर में एक नया रूल बना है, जो रोटी रात की नहीं खाएगा तो उसको सुबह वही रोटी तल के दी जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है और हेल्दी होती है। तो हम खाते हैं रोटी तल के खाई हुई है, तो नाश्ता करते हैं, जल्दी से कॉम्पिटिशन के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं फिर नाश्ते के बाद। सर यार देखो, कंपटीशन में जाने से पहले मुझे मिन्हा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन से उसे मिले बगैर जा रहा हूँ और वो इतना गुस्सा करती है, मुझे ठीक से बोलती भी नहीं है मुझसे, तो उससे मिलते हैं। मिनी अस्सलाम वालेकुम, क्यों जी जा रहे हैं? ठीक है, बाय बाय, दुआ करना क्यों जी कॉम्पिटिशन में भी जीते। बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, ठीक है, नाराज नहीं होना, मैं मिल के जा रहा हूँ। ओके, तो यार देखो, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी टू गो, चलते हैं कंपटीशन में। तो भाई टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 9 बजे का टाइम था, 9:30 इधर ही हो गए हैं, तो निकलते हैं। चाबियाँ मिल रही, चाबियाँ मुझे लगता है। अबे यार चाबियाँ मैंने किधर रख दी हैं? वहाँ पर रखी हुई, सामने आई नज़र आ रही थी, लेकिन अब घूम गई। हाय अल्लाह, यही तो दुख है यार, इधर मैंने रखी हुई थी, पता नहीं किधर चली गई। अबे आके लेट हो गया मैं, अब फिर ये देखो, इधर कपड़े प्रेस किए थे, यहीं रख दिए। चलो अब निकलते हैं यार, हम रेडी टू गो, अब निकलते हैं यार कंपटीशन के लिए। तो बाबा जान प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, क्या बनेगा मेरा कंपटीशन में? तो चलो यार देखो, मेरे पास बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं थी, मटेरियल वगैरह मैंने भी पेंसिल शॉपनर रेजर वगैरह लिए हैं उमर स्टेशनर से। तो अभी हम चलते हैं कॉम्पिटिशन में, चलते हैं। हम पहुंच गए मेन जी सी, अपना मटेरियल वगैरह लेके देखते हैं किधर हो रहा कॉम्पिटिशन। इकबाल हॉल कह रहे हैं, इवेंट जब तक स्टार्ट होता है हम इधर वेट कर लेते हैं। यार कितना अल्लाह सीन लग रहा है, जंगल लग रहा है जंगल, और यहाँ पोटियाँ की हुई हैं बिठे हैं, ये साफ है इधर बैठते हैं। वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हुए, मिलते हैं उनको जाके ना, ये अपनी यूनिवर्सिटी के ही लग रहे हैं पेंटिंग के, तो देखते हैं क्या सीन है, इनको कहीं पे मिल तो नहीं गया असाइनमेंट, तो पता करते हैं। सर देखो, मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी गया मेन जी से, तो वहाँ पे जाकर पता लगा इकबाल हाल में, इकबाल हाल गया, वहाँ पे कुछ सीन नहीं था, तो मैं जाकर पार्क में बैठा, वहाँ पे मुझे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट नजर आए। वो कहते भाई ये तो इवेंट 9 बजे का स्टार्ट हुआ, 12 बजे लास्ट टाइम, मैं 10:30 बजे पहुंचा, 1.5 घंटे में मैंने जो बनाया बहुत ही बकवास बना, आप देख के एंजॉय करना बस। सर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम कंपटीशन में आ गए, हमने अपनी स्केचिंग भी स्टार्ट कर दिया है, कंपटीशन कब तक शुरू हो रहा है? 9 बजे से, मैं आया हूँ 10 बजे, 2 घंटे मेरे पास, और मैंने कंप्लीट करनी करती है हर टाइम। तो अब स्टार्ट करते हैं, कैमरा मैन अली हसन है हमारे साथ, किस यूनिवर्सिटी में टैक्स लगा, तो बस स्टार्ट। डिस्ट्रक्शन हो रही है, काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, मैंने तो गुजारे लायक बनाया है, लोग इतना शोर मचा रहे हैं, बनाने को भी नहीं सकता, काम करने का भी नहीं कर रहा। देख लो किस तरह आगे खड़े होकर शोर में जा रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने काम कभी देखा नहीं ना, और हमें ज़रा स्पेस चाहिए होती काम करने के लिए, स्पेस नहीं मिल रही। यहाँ हमारा भाई अहमद आर्टिस्ट लगा हुआ है, इसको टाइम मिल गया, इस कैनवास पर काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, काफ़ी लोग तारीफ करके जा रहे हैं इसकी। मैंने ये बनाया यार, मेरा बहुत ही बकवास बनाया, बिकॉज भाई शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नहीं काम करने का दिल कर रहा। तो यार देखो, मेन जिस सीन में ग्वाली मिली नगमे, ये सीन भी था, लेकिन मैंने ग्वालियाँ वगैरह नहीं इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड की, मिली नगमा थोड़ा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखाऊंगा। इधर पता नहीं क्या सीन चल रहा है, मुझे लग रहा है ग्वाली सीन हो रहा है कुछ, देखते हैं क्या है। तो यार देखो, हम आए हैं इधर पेंटिंग वालों का काम चेक करने, हमारे बैच के 8वें सेमेस्टर के, तो देखते हैं इनका काम कैसा होगा, बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। वालेकुम गुलाम रसूल भाई, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त हैवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये गुलाम रसूल भाई पेंटिंग बना रहे हैं, यहाँ कैलीग्राफी कर रही हैं हमारी बहन, यहाँ पर भी कैलीग्राफी। गुलाम रसूल फर्स्ट प्राइज़ मेरी तरफ से तुझे, फर्स्ट प्राइज़ सच में। हाँ यार, ये तो मैंने आप लोगों को 8वें सेमेस्टर के पेंटिंग के स्टूडेंट्स दिखाए हैं, इनकी पोजीशंस नहीं आई हैं, हालांकि इनका काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं आपको 6वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का दिखाता हूँ, जो हमारे जूनियर हैं, और उनकी पोजीशंस आई हैं, पहली 3 पोजीशन है पेंटिंग, तो वो आपको दिखाता हूँ, उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। देखो, मैं
इंटायर काम एक्सप्लोर करने के बाद मैं जब अपने सीट पे जा रहा था तो वहाँ पे मुझे अपना एक बहुत पुराना दिल अजीज दोस्त मिला, फिजान काजमी, फिर उसके साथ भी थोड़ी बहुत गपशप मारी हमने। हमारे शादी हमें मिले हमारे बेहतरीन दोस्त, क्या हाल चाल है शादी आपका? एंजॉय कर रहे हो आप हमारी फील्ड में? कैसी लग रही है? बच्चे कैसा काम कर रहे हैं? बहुत क्यूट, क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल। शाजी यहाँ पे फुल बात से देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं भाई। ये आर्टवर्क्स बना रहे हैं, हमारा कंपटीशन है जीसीओ में ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान का, बच्चे पहाड़ वगैरह पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे हैं। शाजी आपको मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हो, बहुत गुड हो गया। तो यार देखो, मैं अब आपको जिस लड़की को मैं आर्टिस्ट कहता हूँ ना उसका काम चेक करवाऊंगा, वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई है। ज़ैनब, अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो ना, यकीन करो मेरी तरफ से फर्स्ट प्राइज़ तुम्हारा बनता था, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, आपको मैं काम चेक करवाता हूँ। तो यार हमारे आर्टिस्ट साहब यहाँ पे आए हुए हैं और आर्टिस्ट साहब आर्टिस्ट ही अपनी ना झाड़े तो मैं तो कह नहीं सकता कुछ। मैं इनका आर्टवर्क देख लें, आप खुद ही देख लें कि क्या बनाया। मैं ऐवी नहीं कहता आर्टिस्ट, माशाल्लाह मैंने बहुत जबरदस्त बनाया यार, माइंड ब्लोइंग। मुझे लगता है ये फर्स्ट प्राइज लेगी लड़की। हां ये देखो, ये जैसे वहां पे मिला था रंगे बाल, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, इस पे प्राइज मिलेगा। ये किस साल की है तेरे साथ? यानी कुछ भी मिलेगा। तो यार हम शाजी के साथ फिर रहे हैं, कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, शाजी हमें कुछ खिलाने लगे हैं। अब आपको हमें पानी खिलाने लगे हैं, हम कम से पानी लेने जाएंगे। मेन जीसीयूएस मेन, वाह स्पेशल कैंटीन है। हां किधर है वैसे? चलते रहो आगे, मिल जाएगी थोड़ी देर में। ये हैदर भाई भाई फुल पार से लगे हुए हैं, बना रहे हैं पीछे यार, आधा घंटा हो यार। वो सिराज अली हसन है, नौमी डीजे कर रहे हैं। तो देखो, काम वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद कैंटीन से होकर आने के बाद हमारी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी। हमारे डिपार्टमेंट से 5-6 पोजीशन आई थी, पेंटिंग में तो सारी पोजीशन हमारी थी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी हमारे कैंपस के बच्चों की। तो अब हम फोटो सेशन करेंगे फैकल्टी मेम्बरान्स के साथ। तो यार देखो, फोटो सेशन के बाद हम गए थे मेन जीसी एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। सो यार देखो, हम अब न्यू कैंपस आए हैं, यहाँ पे सेमिनार है कोई इंटरलूप वालों का। हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं ना, तो इसलिए हमें आना पड़ा इधर अपनी सीवीज जमा करवाने। यार देखो, हम यहाँ आ गए हैं कायदे आज़म एडिटोरियम में, यहाँ पे सेमिनार है कायदे आज़म एडिटोरियम में। तो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ आप लोग खुद देखिए। तो यार पोपट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे सेमिनार ख़त्म हो गया एडिटोरियम में। तो अब हम जा रहे हैं वापस कैंटीन की तरफ, जाते हैं कुछ खाते पीते हैं। ओली भाई आपका खज्जल ख्वार हो के क्या हाल? गर्मी में इधर आए हम वहाँ से और इधर आके गेड़ा हो गया, इधर आके पता लगा कि भाई वो पहले से ही ख़त्म हो गया सेमिनार। तो अब हम बैठे हैं कुछ फाइन, हम ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने का अरेंज करते हैं, खाते हैं पीते हैं लेके जाके ना। लेकिन लड़कियाँ भी हैं साथ, वो कैंटीन में बैठी, उन्होंने तो खा पी लिया होगा, लड़कियाँ भी जाएंगे कुछ खाने पीने। तो यार आप लोग खुद देख लो हमारे क्लास फेलोज कैसे डिस्कशन कर रहे थे एक दूसरे को, पोजीशन से रिलेटेड छेड़ रहे थे। सारी पोजीशन पेंटिंग वालों की यार, सारी पोजीशन इन्होंने गलती दी थी। हाँ देख लो, तबसरे कर रहा थे, तमूरे की बनती थी दूसरी मेरी, इसको कप देना चाहिए था बगैर कैप के। अच्छा देखो, एक बात तो हमें लगती है कि जो सेमिनार पे नहीं गए उनको फाइन पड़ना चाहिए। हमारे सर ने हमें फाइन कर दिया कि आप लोग सेमिनार पे लेट क्यों गए और गए क्यों नहीं ये वो। तो खैर सर बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सर ने जो समोसे हमें मंगवा के दिए थे ना, तो पहले तो कहा कि आप लोगों को ये फाइन है, लेकिन फिर सर ने हमें पैसे उसके पे किए थे। सर बहुत अच्छा, सर लव यू आप। आज हम खाएंगे पकौड़े, किधर हैं इसमें पकौड़े? कुछ नहीं है पकौड़े। देखो मेन जीसी से और वो न्यू जीसी से हो गया, हम आ गए, अब हम जा रहे हैं घर, छुट्टी हो गई है तो चलते हैं घर। तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, यकीन करो इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने का मज़ा भी आ रहा है। कोई 5-6 दिन से ना कंटेंट पे कंटेंट की भरमार हुई है मेरे चैनल पे आजकल। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।